बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और सियासी सरगर्मियाँ जो है वो अरूद पर हैं। हम भी आपके सामने पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो आज हम जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है उसके जो तफसीलात हैं, जो उसके दो हलके कौमी असम्बली के और चार सूबाई असम्बली के हलके, उनके बारे में आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का उम्मीदवार कौन सा है और कौन सा उम्मीदवार है जो इस वक्त वहां पर कह सकते हैं कि वो जीतने की पोजीशन में है। नादरीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नादरीन, ये जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है इसमें कौमी असम्बली के दो हलके हैं और जो इसके अमर सूबाई असम्बली के चार हलके हैं। नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हलके हैं ये जो अब नई हलका बन गए हैं उसके मुताबिक ये है NA 68 और NA 69, जबकि 2018 में ये NA 85 और NA 86 थे। तो ये इसमें चार सूबाई असम्बली के हलके हैं। सूबाई असम्बली के हलके PP 40 से शुरू होते हैं, PP 40, PP 41, PP 42 और PP 43, ये सूबाई असम्बली के हलके हैं। नादरीन, इसमें सबसे पहले जो आपके सामने रखता हूं मैं नादरीन कि जो NA 68 है जो कि NA 85 था, इसके अंदर 2018 में जहां से हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी उन्होंने 103,200 वोट हासिल किए थे और वो यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन जीत गए थे, जबकि मुशाहिद रजा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो यहाँ पर जो है इलेक्शन का साल बदला उसी तरह उम्मीदवार भी तब्दील हो गए। ये जो हाजी इम्तियाज चौधरी साहब थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर अब मुस्लिम नून के अंदर शामिल हो गए। तो अब यहाँ पर जो है मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो हाजी इम्तियाज चौधरी साहब, वो भी मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के आए हैं, और मुशाहिद रजा जो कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे वो भी हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इसमें मुस्लिम नून का जो टिकट है वो हाजी इम्तियाज चौधरी साहब के पास जाएगा क्योंकि उन्हें इलेक्टिबल समझा जाता है और वाकई वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका जाती वोट बैंक भी है, तो उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। अब मुशाहिद रजा क्या वो इस बात पर राजी होते हैं, सुबह असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं या वो फिर उन्हें किसी और तरीके से राजी किया जाता है, लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम नून का टिकट जो है वो हाजी इम्तियाज चौधरी साहब को मिलेगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर इस हल्के की हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो नजर मोहम्मद गोंदल साहब, वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे और ज्यादा चांसेस यही कि नजर मोहम्मद गोंदल साहब ही इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट वो भी चाह रहे हैं, जबकि जो मुमताज तारण साहब हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाह रहे हैं, उसके अलावा राशिद महमूद वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ही यहाँ से चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसे टिकट देती है, तीन उम्मीदवार मैदान में है, अब किसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देती है। लेकिन अगर आपको सर्वेस की बात करें कि कौन यहाँ पर सीट निकालने में कामयाब हो जाएगा तो अभी तक के जो जराए हैं वो इम्तियाज अहमद चौधरी साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर है वो कम्फर्टेबली ये वाली नशिस्त जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अब नाज़रीन, जो इससे अगला हलका है ये जो 68 है, ये जो फालिया शहर मंडी बहाउद्दीन शहर उससे जो ये शहर का हलका है फालिया और मंडी बहाउद्दीन, उसके अलावा ये जो अगला हलका है 69 मलकवाल और फिर जो देहाती इलाके हैं उस पर मुश्तमिल ये हलका है। इसमें नाज़रीन कराम जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं जो कि पिछली दफ़ा भी यहाँ से जीते थे, नासिर गुसाल साहब, वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे और वो जीते थे, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके पास अपना जाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं। लेकिन अब जो नासिर गुसाल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के, उनको जो उनके दोस्त हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो मशवरा दे रहे हैं कि आप मुस्लिम नून का वोट जो है टिकट ना लें, क्योंकि अगर आप मुस्लिम नून का टिकट लेते हैं तो आपका वोट बैंक खराब होगा। हालांकि वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं, जाती वोट बैंक रखते हैं, उन्हें किसी टिकट की जरूरत भी नहीं है। तो उनके लिए अब जो पॉजिटिव पॉइंट है वो उनका जाती वोट बैंक है और जो नेगेटिव पॉइंट है वो उनके मुस्लिम नून का टिकट है।
अब लेकिन यहाँ पर मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो नासिर बुसाल साहब ही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उसके अलावा मोना सिलाई साहब के भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा है, उसके अलावा मोना सिलाई साहब की वालदा और परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही साहब उन्होंने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उसके अलावा फैसल मुख्तार गोंदल ये नदीम अफजल चांद साहब उनके भाई हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उसके अलावा एक वकील साहब है उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब नाज़रीन यहाँ नासिर बुसाल का मुकाबला जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वह चौधरी परवेज इलाही साहब करेंगे, तो जब चौधरी परवेज इलाही साहब करेंगे तो फिर बड़ा टफ मुकाबला होगा, लेकिन एज जो है अगर नासिर बुसाल साहब नून लीग का टिकट ले लेते हैं तो फिर उन्हें नुकसान हो सकता है, अदरवाइज उनका जाती वोट बैंक भी मौजूद है, चौधरी परवेज इलाही साहब का भी वोट बैंक है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो होगा बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। उसके अलावा जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उसमें जो पी पी 40 है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं हमीदा वही साहबा, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की मजबूत उम्मीदवार, पिछली दफा भी जीते थी, जाती वोट बैंक रखती हैं, वही यहाँ से जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून की उम्मीदवार होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अरशद महमूद जो कुकु हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी इस हल्के के अंदर जमा करवाए हैं, उसके अलावा तारिक महमूद साई साहब उन्होंने भी यहाँ से जमा करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है हमीदा वहीदुद्दीन की वो बड़ी मजबूत है। नाज़रीन उसके अलावा जो पीपी 41 है यहाँ से पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो हैं जी यहाँ से मार तारिक तारट साहब, शकीर गुलरेज साहब इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि बिस्मा रियाज चौधरी साहबा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो कि भांजी हैं चौधरी शुजात की, लेकिन वो जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई हैं, और वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। उसके अलावा जो पीपी 42 है यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है साजिद भट्टी साहब भी कागजात नामजदगी, मोना सिलाई साहब के भी जमा है, कौसर परवीन साहबा उन्होंने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और पाकिस्तान तरीके जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है उनके उम्मीदवार इसके अंदर है सिकंदर हयात और खालिद राजा साहब, वसीम अफजल गोंदल वो भी यहाँ से उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके अलावा जो पीपी 43 है यहाँ से जो कमर चाय वाले हैं कमर खान पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो टिकट चार हैं उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और वो ज़्यादा चांसेज यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हें टिकट देगी, और जो वसीम अफजल गोंदल साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से भी टिकट करवाए हुए हैं, और फैसल मुख्तार गोंदल साहब ने यहाँ से भी जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो कि भाई हैं नदीम अफजल चांद साहब के उन्होंने भी इस हल्के के अंदर से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब नाज़रीन इसमें अगर आप देखें तो 2018 में जो दोनों नशिस्तें थी वो पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है इस हल्के में से जीत गई थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी हाजी इम्तियाज चौधरी साहब वाली, और जो नासिर इकबाल बुसाल वाली थे मुस्लिम नून यानी एक एक नशिस्त जीती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी क्योंकि इम्तियाज हाजी इम्तियाज चौधरी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे, अब वो चले गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर, तो आप देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है ये जो दूसरी कौमी असम्बली की नशिस्त है मलिकवाल और देहाती इलाकों वाली इसके ऊपर वो किस तरह का मुकाबला करते हैं। अगर आप जो पहली सीट है उसके ऊपर देखें तो हाजी इम्तियाज चौधरी जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो फेवरेट है, और चांस भी यही है कि वो वाली सीट जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।